हेलो एवरीवन, हाउ हैव यू बीन। स्पॉटिंग एरर्स के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पॉटिंग एरर्स का सीक्रेट क्या है? स्पॉटिंग एरर्स का सीक्रेट अगर आप हमसे पूछिए तो एक ही सीक्रेट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको कई बार ऐसा लगता है, देखेंगे आप कि जब आपको कोई सेंटेंस, व्हेन यू कम अक्रॉस अ सेंटेंस, आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, इस टाइप का सेंटेंस हमने किया था, तो उसमें ये एरर थी, इसमें भी ऐसा ही होगा। तो ये प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे जहाँ जरूरत होगी डिस्कशन के दौरान ही, जहाँ जरूरत होती है हम कंसेप्ट बताते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स प्रोसीड टू सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, नोबडी नोज हाउ डिड इट हैपन। अब देखिए, इसको मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, इसको टेंसेस में भी हमने डिस्कस किया था, इसको पिछले स्पॉटिंग एरर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, पहली बात ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, वन इज मेन क्लॉज, द अदर वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कई बार मैंने बताया है, बिल्कुल सीधा समझिए इसको, इसमें कुछ और सोचना ही नहीं है। डब्ल्यू एच वाला जो क्लॉज होता है, नोबडी नोज ये मेन क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डब्ल्यू एच यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं उनसे जो क्लॉज शुरू हो रहा है वो हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, वो कभी इंट्रोगेटिव पैटर्न में नहीं होगा। यहां देखिए, ये इंट्रोगेटिव डिड है, सब्जेक्ट के पहले इट के पहले डिड आ गया। तो ये क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, ये इंट्रोगेटिव क्लॉज है, ये यहां नहीं चाहिए। अगर आपको अलग से किसी से पूछना है कि ये कैसे हुआ, कोई भी चीज अगर आपको पूछनी कि ये कैसे हुआ, तब आप वहां पे यूज करेंगे हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो वहां पे आप ये बोलेंगे, वहां इंट्रोगेटिव चाहिए। लेकिन यहां क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यहां पे जो डब्ल्यू एच क्लॉज है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट का फॉर्म क्या होता है, स्टेटमेंट का क्या प्रारूप होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होती है। तो डिड यहाँ पे है, डिड सिंपल पास्ट के की हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं होती है। आप डिड या डू या डज, डू डज सिंपल प्रेजेंट के लिए, डिड सिंपल पास्ट के लिए बाहर से लगाते हैं। तो आप इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नोबडी नोज हाउ इट हैपेंड। डिड हटा देंगे, डिड हटाएंगे और हैपन में ईडी लगा देंगे, तो हाउ डिड इट हैपन ये हटा करके इसको हैपेंड कर देंगे। Nobody knows how it happened. HAPPENED और डिलीट। अब ये स्टेटमेंट हो गया, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये ठीक। इसको ध्यान देंगे। We should be bound by a code of conduct, isn't it? देखिए इसमें गलती क्या है, उस सेक्शन में है, ये लास्ट में जो चीज लिखी हुई है, ये देखिए, ये लास्ट में जो isn't it है, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। इस तरह की जो चीज होती है, जो एक छोटा सा क्वेश्चन जैसी चीज होती है, वो स्टेटमेंट के लास्ट में अटैच की जाती है, इट इज नोन एज क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन क्या है भाई, टैग क्वेश्चन एक खास किस्म का क्वेश्चन होता है जो स्टेटमेंट के साथ में अटैच किया जाता है, स्टेटमेंट के बाद बोला जाता है। उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज होता है स्टेटमेंट को और फोर्सफुल बनाना, स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करना। जैसे मैं कहूं इट्स वेरी हॉट टुडे, Isn't it? You like coffee, don't you? You have finished your work, haven't you? You will not do it, will you? तो ये जो लास्ट में will you, have, isn't it, और इस तरह की haven't you, ये जो चीजें लास्ट में ऐड की गई हैं, they are known as question tag, they are tag question. अब सवाल है कि ये कैसे बनता है, इसकी ग्रामर बिल्कुल सेट है, बहुत आसान है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है, सेंटेंस में अगर पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब है, केवल दो केस में हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं होगा, आप जानते हैं बहुत बार ये बात डिस्कस हो चुकी है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दो सेंटेंसेस में स्टेट पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में होता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं होती है, तो उसका जो टैग बनेगा वो डू डज या डिड से बनेगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा कोई ना कोई होगी, उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन टैग हमेशा उल्टा नेचर का, जैसे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा, मींस अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। अब ये देखिए, वी शुड बी बाउंड, देखिए इसमें शुड, शुड इज
रिवर ऑक्सिलरी एयर मॉडल है, मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं एक प्रकार की एयर रिवर होते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी शुड है हमारे पास, तो हमको इस लगाने की जरूरत नहीं है, इस नहीं लगेगा, इसी से बनाएंगे। और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो टाइम नेगेटिव होगा, तो शुड प्लस नॉट प्लस वी सब्जेक्ट वी, तो ये बन जाएगा शुडंट वी, इसका टाइम बनेगा शुडंट वी, इजंट इट नहीं होगा, शुडंट वी क्या फॉर्मूला होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शुड है, शुड प्लस नॉट और प्लस वी, तो शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, टाइम में हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं नेगेटिव टाइम, तो शुडंट वी ये होगा, इजंट इट रॉन्ग है, गलती उस सेक्शन में, इजंट इट की जगह शुडंट वी। ओके नेक्स्ट, आई एम टायर्ड As I am working since 7 o'clock, कई बार बहुत बार इसको डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ये टेंसेज में भी बताया था मैंने, और पीछे इसके पहले भी जो स्पॉटिंग एरर के वीडियोस हैं उसमें भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, कई जगह पर इसकी बात हो चुकी है। And as I am working since 7 o'clock, जब भी हमारे सेंटेंस में सिंस या फॉर होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज क्या होता है, कोई काम इस समय चल रहा है, स्पीकर इज इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस समय क्या हो रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, लेकिन वो समय वो काम वो एक्शन कितनी देर से हो रहा है, पास्ट में कितनी देर से चल करके वो एक्शन हो रहा है, अगर ये बताना होगा, टाइम फैक्टर यूज करना होगा, तो वहां पे हम टाइम फैक्टर यूज करना होगा, तो फॉर सिंस लगाएंगे, और तब हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ध्यान देना, आई एम वर्किंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है, हैव या हैज लगेगा, आई के लिए हैव लगेगा, बीन होगा और वर्क का आईजी फॉर्म आएगा, तो एक होता है केवल कंटिन्यूअस, उसको आप कर लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लेन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में, ये प्लेन कंटिन्यूअस है, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस वो प्रेजेंट में भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, और लाइकवाइज फ्यूचर में भी हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, उसका स्ट्रक्चर वही होता है, वो टाइम फैक्टर सिंस या फॉर यूज होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ड्यूरेशन का बताने के लिए फॉर आता है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए कहां से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, ये बताने के लिए सिंस आता है, तो जब भी टाइम फैक्टर यूज होता है तो केवल कंटिन्यूअस नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो चूंकि यहां पे प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो आई हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग आ जाएगा, एरर यहां पे। नेक्स्ट, ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, कहना चाह रहा है कि ललित ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड से जो कि सिंगर और साइंटिस्ट है, मतलब वही जो फ्रेंड है, जो उसका फ्रेंड है जिससे उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है जिसको, तो वो सिंगर भी और साइंटिस्ट भी है, तो जब एक ही पर्सन की बात हो रही होती वही फ्रेंड उसका वही सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकता है और बाई चांस सिंगर भी हो सकता है, तो वो सिंगर और साइंटिस्ट दोनों है, तो जब एक ही पर्सन की बात हो रही है तो ये जो आर्टिकल है ए, जो आर्टिकल ए है, ए एन और दी, ये तीन आर्टिकल होते हैं ए और एन, ए को वहां पे आर्टिकल के रूप में जब ये बोला जाएगा तो अ बोला जाएगा, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ये केवल एक बार लगेगा, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन पर्सन, सिंगर और साइंटिस्ट दे रेफर टू बोथ, दे रेफर टू अ सिंगल पर्सन, सेम पर्सन, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये हो जाएगा ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड Who is a singer and scientist? ये वाला A नहीं यूज होगा, ये भी हट जाएगा, तो एरर यहाँ पे। Hardly had I left the house than it began to rain. अब देखिए correlative conjunction होते हैं कुछ pairs में यूज होते हैं, जैसे no sooner एक है, no sooner के बाद then आता है, hardly के बाद then नहीं आता, hardly जहां भी यूज होगा उसके बाद अगले क्लॉज में when आएगा, hardly और scarcely के बाद वैन आता है, और नो सूनर एक होता है, नो सूनर के बाद वैन आता है, तो ये हो जाएगा हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन द
देन नहीं वैन डब्ल्यू एच, तो हार्डली के साथ वैन को आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल पेयर के रूप में दिमाग में बैठा लेना है, हार्डली वैन, नो सुनर देन स्कैसली वैन, हार्डली और स्कैसली दोनों के साथ वैन आता है, वैन इट बिगन टू रेन, कह रहा है कि मुश्किल से अभी मैं घर से निकला था कि बारिश शुरू हो गई, ये कहना चाहता है, इसका सेंस ये है। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द बर्ड्स, इट इज वन ऑफ द बर्ड्स विच गोज आउट फॉर इट्स प्रे एट नाइट। देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें जो ये कंजंक्शन है, ये विच, ये जो कंजंक्शन है, ये जो क्लॉज है उसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, ये जो कंजंक्शन है ये किसके लिए आया, आप सिंपल वर्ड्स में समझिए, जार्गन्स के चक्कर में मत पड़िए, ये विच किसके लिए आया है, ये विच बर्ड्स के लिए आया है, बर्ड्स, तो ये जो विच आया है वो बर्ड्स के लिए आया है, इसके बाद इस क्लॉज में, इस क्लॉज में जो वर्ब आएगी वो इसके एग्री करेगी, इसके हिसाब से लगेगी, बर्ड से एग्री करेगी, यानी कि ये जो वर्ब आएगी वो बर्ड्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, जबकि यहां पे क्या यूज हुआ है, गोज यूज हुआ है, तो गोज सिमिलर वर्ब है, प्रोबेबली प्रोबेबली क्या किया गया है कि ये विच जो ये गोज है वो इसके हिसाब से एग्री करा दिया गया है, इट के हिसाब से, किसी पक्षी को दिखा के कहा जा रहा है ये उन पक्षियों में से है, ये उन पक्षियों में से, उन बर्ड्स में से है जो रात में अपना शिकार पकड़ते, रात में जाते हैं शिकार पकड़ने के लिए, ये कहना चाहता है, इसका सेंस यही है, तो ये यहाँ जो ये एरर है वो गोज को इससे एग्री कराया गया है, ये पूरी बात इसके लिए हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो क्लॉज है, ये जो कंजंक्शन है विच, ये इसके लिए आया है, इस क्लॉज में जो वर्ब आएगी वो इससे एग्री करेगी, यानी वो प्लूरल वर्ब होगी, तो बर्ड से एग्री करेगी तो यहाँ पे गो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज वन ऑफ द बर्ड्स विच गो आउट, कोस नहीं गो, विच मतलब बर्ड्स की बात हो रही, चिड़िया वो उन पक्षियों में से है जो जाते हैं, तो गो आउट फॉर देयर प्रे, इट्स सिमिलर के लिए होता है, हम कई पक्षियों की बात कर रहे हैं, तो फॉर देयर प्रे, शिकार प्रे मतलब शिकार, फॉर देयर प्रे एट नाइट, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द रूम विद द न्यूज, ये वो था जो दौड़ करके आया कमरे में न्यूज के साथ में, यानी न्यूज लेकर के आया, समाचार लेकर के, कोई समाचार लेकर आया, अब यहाँ सीधी सी बात यह है कि ये जो है हिम, ये हिम जो दिख रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जो फॉर्म होगा वो सब्जेक्ट फॉर्म में होगा, यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है, तो ये हिम नहीं होगा, ये इट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए आया है ये, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो ये हिम ना होकर के ही होगा, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम है, हमको यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं चाहिए, हमको यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए, तो इट वॉज ही, इट इज आई, इट इज मी नहीं होता, स्पोकन इंग्लिश में, कोलोकियल इंग्लिश में लोग बोल जाते हैं इट्स मी, लेकिन वो गलत है, इट इज मी नहीं, इट इज आई, इट्स ही, इट्स मतलब इट इज ही, इट इज शी, इट इज हर नहीं होगा, हर तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, इट इज शी, इट इज दे, इट इज यू, इट इज दे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो यहां पे सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए, सो इट वॉज ही, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द रूम, नेक्स्ट, हिज इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द टू कार्स, देखिए तो गाड़ियों की बात हो रही है, his, his मतलब उसकी कार, कार उस, his मतलब his कार से मतलब है, his is the least expensive of the two cars, इन दो कारों में, इन दो गाड़ियों में उसकी गाड़ी सबसे कम महंगी है, ये कहना चाहता है, तो जब दो कारों की बात हो रही है, दो वस्तुओं की बात होती है, दो पर्सन की बात होती है, किन्हीं भी दो चीजों में तुलना होती है, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री, ये लीस्ट क्या है, लिटिल, लिटिल एडजेक्टिव है, तो लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस और सुपरलेटिव होता है लीस्ट, क्योंकि यहाँ पे दो कार्स की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग ऑफ टू कार्स, तो यहाँ पे लीस्ट नहीं होगा, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, हमको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो लिटिल का कंपैरेटिव है लेस,
लिटिल जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट एडजेक्टिव में हम लोग अलग से एडजेक्टिव टॉपिक जब डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल लेक्चर में, तो एडजेक्टिव में वो और डिटेल में बात होगी। लेकिन एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की तीन डिग्रीज होती है। तो लिटिल का लिटिल, लेस लीस्ट, यहाँ पे दो की बात हो रही, तो लेस हो जाएगा, यानी डबल एस लेस। हिज इज द लेस एक्सपेंसिव ऑफ द टू कार्स। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, इसमें केवल आपको ये जो है इसमें इसका मंत्र यही है, प्रैक्टिस करिए, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इसका यही कैच है। कंसेप्ट हम डिस्कस करते रहेंगे जहां, तो बार बार करने से वो चीजें आपके सिस्टम में आ जाएंगी, धीरे धीरे आपको यू विल बी यूज्ड टू सर्टेन रूल्स और धीरे धीरे आप उसको करते रहते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।